एग्जीबिशन बज वायर लूप विनर 1 लाख रुपीज। शंकरपल्ली नाम के गांव में वीरू नाम का एक आदमी रहता था। उसके बीवी और बच्चे थे। वीरू एक चिल्लर चोर था। जेब काटना, औरतों को गले से गहने खींचना, ऐसे चोरियां करता रहता था। वो एक शराबी भी था। अगर नहीं पिया तो उसका हाथ कांपते थे। चाय ग्लास भी ठीक से नहीं पकड़ पाकर नीचे गिराता था। मगर एक बार शराब पी लिया तो उस आदमी को कहीं पर भी नहीं मिलने वाला शक्ति और एकाग्रता एक ही बार बढ़ जाते थे। हाथ कांपना बिल्कुल बंद हो जाते थे। सड़क पर खड़े होकर लोगों को देखते हुए किसके जेब में बड़ा पर्स है ये आसानी से पहचान लेता था और वैसे ही उनके पर्स चुराता था। उनके घर में घर वालों को वो क्या काम करता है कुछ भी पता नहीं था। कुछ कंपनी में काम कर रहा है कहकर झूठ कहता था। अगर कभी भी पकड़ा गया तो जेल में 2-3 दिन रहता। तो घर वापस आकर ऑफिस के काम पर कैंप गया है कहकर झूठ कहता था। एक दिन वीरू की बीवी बच्चों को स्कूल से वापस ला रही थी तो वीरू भागते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे कुछ लोग चोर चोर कहकर चिल्लाते हुए पीछे कर रहे थे। वो देखकर वे लोग आश्चर्य हो गए थे। तभी उन लोगों ने वीरू को पकड़कर उसको अच्छे से मार के उसने चुराया हुआ हार को लेकर एक औरत को देकर एक आदमी थू ये भी जिंदगी है, तुम एक इंसान भी हो, चोरी करने के लिए शर्म नहीं है क्या तुमको, कहा। तब वो औरत, मेरे गले से हार को चुराकर तुम्हारे घर में बीवी को देने के लिए सोच रहे हो? तुम जैसे को इस दुनिया में रहना ही गलत है। तुम जैसे चोर के साथ जो जीवन बिता रही है उसको मारना चाहिए चप्पल से। पहले इसको पुलिस के हवाले कीजिए, बोली। वो सुनकर बीवी और बच्चे बहुत दुखी हुए। तभी वीरू ने सबको धक्का देकर उधर से भाग गया। बाद में घर आने के बाद वीरू को उसकी बीवी नीचे गिरकर हाथ और पैर कांपते हुए दिखाई दिया। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। बच्चे बगल में खड़े होकर रो रहे थे। तब उसका बेटा, पिताजी माँ ने कुछ दवाई पिया था इसलिए वो ऐसे गिर गई, कहा। तब उसकी बेटी, मुझे डर सा लग रहा है, माँ माँ उठो उठो कहकर उसको पकड़कर हिला रही थी। फिर डर के मारे वीरू ने उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। बाद में डॉक्टर ने उसका बीवी का इलाज किया। बाद में उसकी हाथ में एक चिट्ठी मिला, वो लेकर डॉक्टर पढ़ रहा था। वीरू को कुछ भी समझ में नहीं आकर देख रहा था। फिर डॉक्टर ने उसे पकड़कर वीरू को एक मार के, ये चिट्ठी क्या है पता है, तुम्हारी बीवी का लिखा हुआ सुसाइड लेटर है। मैंने इलाज कर दिया इसलिए वो बच गई है। अगर वो मर गई होती तो पुलिस तुमको अंदर कर देते थे। चिच्ची कैसे इंसान हो तुम चोरी करते हो कहकर बेचारी तुम्हारी बीवी को पता नहीं था। आज तुमको चोरी करते हुए पकड़े गए हुए देखकर वो सह नहीं पाकर ऐसे खुदकुशी करने की कोशिश की। अगर वो मर जाती तो बच्चों का क्या हालत होता था, सोचा है क्या? आज से अच्छा इंसान जैसा बदल कर गांव में अच्छा नाम कमाओ, कहा। ये सुनकर उसका होश उड़ गए और मन बदल गया। घर आने के बाद वीरू ने बीवी और बच्चों का खसम खाकर चोरियां करना शराब पीना छोड़ देगा, कहा। फिर वैसे ही वो चोरी करना और शराब पीना बंद करके एक ऑटो को किराए पर लेकर उसको चलाकर जीवन गुजारने लगा। उसमें आया हुआ बदलाव को देखकर बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए। एक दिन वीरू उसके परिवार के साथ एक मॉल में गया। वहाँ एक जगह पर बज वायर लूप गेम चैलेंज चल रहा था। वहाँ पर एक बोर्ड पर बज वायर लूप गेम विनर विल गेट 1 लाख रुपीज कहकर लिखा हुआ था। वहाँ पर ये गेम था कि एक टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ पाइपलाइन को लगे बिना एक रिंग को एक कोने से लेकर दूसरा कोने तक लेकर जाना था। अगर वो रिंग उस पाइप को टच हुआ तो रेड लाइट जल के अलार्म बजेगा। उधर एक युवक, आइए बाबू आइए, बस वायर लूप गेम में हिस्सा लीजिए, 1 लाख रुपए जीतिए, एंट्री फीस केवल 1,000 रुपए ही है, अगर हार जाएंगे तो आपका 1,000 गया समझिए, कहकर चिल्ला रहा था। तब कुछ लोग 1,000 रुपए देकर उसमें भाग ले रहे थे, लेकिन वो रिंग पाइपलाइन को टच होने के वजह से सब लोग हार रहे थे। वो देखकर वीरू की बीवी, अरे वाह, अगर वो 1 लाख हमें मिला तो कितना अच्छा होता था, हम कब से कह रहे थे कुल्लू मनाली घूमकर आ सकते हैं, बोली। तब उसका बेटी, हाँ पिताजी, हमें कुल्लू मनाली कब लेकर जाओगे,
पूछी, तब उसका बेटा, जब भी पूछा तो बाद में कहते रहते हो डैडी, प्लीज हमें ले जाइए, कहा। तब वीरू, इस गेम में जीत कर उस 1,00,000 रुपए को जीतना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, मगर मैंने आपके ऊपर खसम जो खाया है उसके वजह से नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं शराब पिया तो मेरा एकाग्रता बढ़कर मैं जीत जाऊंगा, मगर क्या कर सकते हैं, पी नहीं सकता हूँ ना, हमें कुल्लू मनाली जाने का भाग्य अभी नहीं है, चलो चलते हैं, कहा। तब उसकी बीवी, आप जो कह रहे हो वो सच है, वो आप जीत सकते हो, फिर तो इस बार आप उस कसम को तोड़कर ये जीतिए, आप क्या करोगे कीजिए, हमको उस 1,00,000 से कुल्लू मनाली जाना है, बोली। तब वीरू, ठीक है आप लोग इधर ही रुकिए, मैं अभी आता हूँ, कहकर चला गया। फिर वीरू जाकर शराब पीकर आया। पीने के वजह से उसका एकाग्रता बढ़कर धीरे धीरे से आसानी से उस रिंग को पाइपलाइन को लगे बिना उस कोने से लेकर इस कोने तक लेकर आया। ये देखकर सब लोगों ने तालियां बजाए। प्रारंभिक ने उतरा हुआ मुंह के साथ उसको 1,00,000 रुपए दिया। ऐसे वीरू के परिवार कुल्लू मनाली जाकर खुशी से घूमने लगे। फेक मैजिकल मनी ट्री। एक गांव में संजू और अंजू नाम के दो चोर पड़ोसी थे, लेकिन एक दूसरे की चोरी के बारे में एक दूसरे को पता भी नहीं था। सुबह दोनों बहुत इज्जत से रहते थे। रात होते ही दोनों अलग अलग रास्ते पर चोरी करने निकल पड़ते थे। वो किसी भी घर में जाए उन्हें वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। लाचार होकर संजू ने फेक मनी का व्यापार शुरू किया। एक दिन संजू को अपने घर पर एक ट्रॉली ऑटो में फेक मनी लाते हुए अंजू ने देख लिया। उस रात अंजू संजू के घर में चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वो फेक मनी उठाने की कोशिश किया। अचानक संजू ने उसे पकड़ लिया। क्या रे, तू भी चोरी है? अब तक क्या नाटक किया रे, सीनियर चोर होते हुए भी मैं ही तुझे नहीं पहचान पाया। तुझे भी इस गांव में किसके पास पैसे और सोना है पता नहीं चल रहा? आप भी चोर है क्या? सॉरी बस, अनजाने में आपके घर में ही चोरी करने आ गया। हाँ बस, कौन अमीर है कौन गरीब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर इतना स्टाइल मारने वाले लोगों के घर चोरी के लिए जाता हूँ, वहाँ देखूँ तो उनके पास एक रुपया भी नहीं है, इसलिए आपके घर में चोरी करने आया था। मुझे माफ कर दो बस। अरे पागल, अभी भी गलती कर दी तूने। इसको असली नोट समझ रहे हो क्या? ये सब फेक मनी है रे। लेकिन व्यापार भी आजकल ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। उस प्लान के लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। आज लकीली तुम मिल गए। चोरी करने के लिए आकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम दोनों मिलकर लोगों को लूटते हैं, ठीक है? हैं? वो कैसे बॉस? हम एक फेक मनी ट्री तैयार करेंगे। यहाँ 10 करोड़ का फेक मनी है। इससे हम अगर 5 करोड़ भी कमा लेंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। वो कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा तुझे। अंजू ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों ने मिलकर उस गांव के किनारे में एक बड़ा नकली पेड़ लगा लिया। वो पेड़ के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया। वो अंडरग्राउंड से पेड़ तक 2 पाइप लगा लिए। पूजा नाम की एक डबिंग आर्टिस्ट के साथ बात किए। वो गांव में एक चोर बाबा को भेजे। वो चोर बाबा गांव में सबको इकट्ठा किया। भाइयों, ये सोनापुर गांव ने कितने ही पुण्य किए हैं, इसलिए इस गांव के पास भगवान ने एक पैसों का पेड़ बनाया है। वो किसी एक का नहीं है, तुम सबका है। उस पेड़ को आप जितना पैसा अर्पण करोगे उसका डबल वो आपको देगा। लेकिन आप लोग उस पेड़ से आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से रखना, कम से कम 2 महीनों तक उनको खर्च नहीं कर सकते। लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। उसी दिन सारे लोग उस पेड़ के आगे लाइन में खड़ गए।
डबिंग आर्टिस्ट पूजा पेड़ के अंदर से। भक्तों कुछ टेंशन मत लीजिए, लड़ना मत, आपके लाए हुए पैसे नीचे रखकर मेरे आगे नमस्कार कीजिए, मैं तुम्हें उनका डबल करके तुम्हें पैसे दूंगी। एक आदमी आकर 2 लाख उस पेड़ के नीचे रखा। अंडरग्राउंड से संजू अंजू वो सुरंग में से फेक मनी पेड़ तक पहुंचाने लगे। वो नोट सारे पेड़ के ऊपर उगने लगे। 2 लाख रखने वाला खुशी से पेड़ पर चढ़कर वो पैसे निकालने लगा। ऐसे ही रोज लोग वहां पर पेड़ के नीचे पैसे डालने लगे। नीचे से संजू अंजू पाइप से पैसे भेजते रहे। वो पैसे पेड़ पर उगने लगे। रोज शाम को सब जाने के बाद संजू अंजू ऊपर आकर असली पैसे ले लेते थे। चोर बाबा को पूजा को कुछ पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस गांव का एसआई धीरज उस पेड़ के पास आया। पेड़ देवी, मेरे पास 10 करोड़ है, तेरे चरणों में रख रहा हूँ, मुझे 20 करोड़ दे दो देवी। ये सुनकर अंडरग्राउंड में मौजूद संजू अंजू घबराने लगे। बॉस, हमारे पास इतना फेक मनी नहीं है ना, अब क्या करें? पेड़ के अंदर से पूजा, रे जल्दी पैसे भेजो वरना पकड़े जाएंगे, क्यों चिल्लाई। जल्दी से धीरज अंडरग्राउंड में चले गया, संजू अंजू को पकड़ लिया, दोनों को जेल में डाल दिया। अगले दिन धीरज लोगों से, देखो अंधविश्वास करने के लिए तुम लोगों को भी सबक मिलना ही था, इसलिए मैं उन चोरों से रिकवर किए हुए पैसों को सरकार के हवाले करने वाला हूँ, वो स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा गरीबों तक पहुँचेगा, अब से आप लोग लालची नहीं होंगे ऐसा आशा करता हूँ, सबको मेरा प्रणाम। वो सुनकर लोग चौंक गए।